इस वीडियो में हम इसमें स्टेयर बनाएंगे। हमने इसमें अभी तक स्टेयर नहीं बनाई, अब हम इस वीडियो में इसमें एक स्टेयर क्रिएट करेंगे। हम जाते हैं ग्राउंड फ्लोर प्लान में, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। मैं यहाँ पर एक स्टेयर क्रिएट करूँगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट करूँगा स्टेयर को और ऐसे ले जाकर ऐसे यहाँ पर ऐसे फिनिश करूँगा। ऐसे स्टेयर बनानी है मुझे, और मुझे कोशिश ये रखनी है जो ये मेरा लैंडिंग है, जो लैंडिंग है वो उसकी हाइट इतनी रहे जो यहाँ से गैराज में से एक एंट्री आ जाए अंदर घर में। तो मैं उसी हिसाब से एक इसमें स्टेयर बनाऊंगा जिसका लैंडिंग इतने ऊपर रहे, मिनिमम 6 फीट तो रहे। तो उसको बनाने के लिए हम इसको बनाने के लिए स्टेयर को बनाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे आर्किटेक्चर टैब में और यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टेयर बाई कंपोनेंट, और यहाँ पर हम इसमें असेंबल स्टेयर बनाएंगे। कंक्रीट वाली नहीं, हम असेंबल वाली इसमें एक स्टेयर बनाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे सेवन ये वाली जो स्टेयर है इसको क्लिक करके हम बनाएंगे। हम इस एडिट टाइप करके इसको डुप्लीकेट भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इसमें साइज देके, लेकिन हमें कोई इसमें इतनी ज़्यादा स्टेयर नहीं बनानी, एक दो स्टेयर बननी है बस ये। तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर इसको नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया इसको मेन स्टेयर, ओके बटन पर क्लिक करा देंगे और ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारी एक्चुअल राइजर हाइट दिखा रहा है वो 6 इंच समथिंग दिखा रहा है। मैं इसको यहाँ पर कम करता हूँ जैसे, ओके 16 हम यहाँ पर रखेंगे, 16 राइजर, और इसकी जो हाइट रहेगी वो 7 इंच एंड हाफ रहेगी, और इसकी थ्रेड डेप्थ 11 इंच ही रख लेते हैं। और जो हमारी स्टेयर बनेगी वो हम 3 फीट की बनाएंगे। ये मैसेज दे रहा है कि राइजर जो है स्टैंडर्ड से हाई हो गई, तो मुश्किल नहीं है, हम इसको ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। और जो एक्चुअल रन विड्थ है हम इसको 3 फीट रख लेते हैं, और इसको करते हैं यहाँ पर रन लेफ्ट। अब हम यहाँ पर बनाएंगे ऐसे, मैं 11 क्रिएट कर लेता हूँ जिससे लैंडिंग की जगह मिल जाए। 11 क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा इसके सामने बिल्कुल ऐसे, या थोड़ा एक आगे ले लेते हैं यहाँ पर ऐसे, और इसको हम फिनिश कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पर क्लिक करेंगे फिनिश एडिट मोड। यहाँ पर वार्निंग मैसेज दे रहा है रेलिंग का, मुश्किल नहीं है, इसको हम बंद कर देते हैं, और रेलिंग को भी हम अभी फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं, रेलिंग हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाएंगे। ये हमारी स्टेयर बन गई, हम इसका लैंडिंग सही करते हैं। इसको क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करते हैं एडिट स्टेयर, और इसके लैंडिंग पर क्लिक करके, और ये जो इसका शेप का हैंडल है इस पर क्लिक करेंगे ऐसे, इसको ड्रैग करके यहाँ पर मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे फिनिश मोड को, एडिट मोड को फिनिश करेंगे। यहाँ पर ये हमारी स्टेयर बन गई। अब हम यहाँ पर इसमें एक सेक्शन काटेंगे, यहाँ पर ऐसे एक सेक्शन काट के देखेंगे जिससे जो हमारा ये गैराज है, गैराज में से एक एंट्री यहाँ से अंदर घर में आ जाए। तो उसके लिए हम सेक्शन काटेंगे। सेक्शन काटने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सेक्शन पर, जो क्विक एक्सेस टूल बार है हमारी, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं सेक्शन पर, या फिर यहाँ पर क्लिक करें व्यू टैब में, यहाँ पर क्लिक करेंगे सेक्शन। अब मैं यहाँ पर एक सेक्शन काटूँगा ऐसे, और ये सेक्शन नीचे की ओर है, मैं इसको इस बटन पर क्लिक करूँगा। ये इस यहाँ पर क्लिक करने से तो ये बंद होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा बटन है फ्लिप सेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा। अब हम इस सेक्शन में जाएंगे, सेक्शन में जाने के लिए हम इस सेक्शन का जो ये हेड है इस पर क्लिक करेंगे डबल, और ये हमारा सेक्शन आ गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारा लैंडिंग है, लैंडिंग की हाइट देखते हैं कितनी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे अलाइन पर, और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, और ये हमारा लैंडिंग है, और लैंडिंग की हाइट हमारी 6 फीट 8 1/2 इंच है, तो सही है, इतनी हाइट चल जाएगी, मुश्किल नहीं है। तो हम इसको इतना ही रख लेते हैं फ़िलहाल, और इसको फिनिश कर दें यहाँ पर। अब हम जाएंगे यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर पर क्लिक करेंगे, और हमारी जो स्टेयर है वो यहाँ पर आ रही है, लेकिन हमें स्लैब काटना पड़ेगा इसके लिए, जो हमारा फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर का उसको काटना पड़ेगा। हम यहाँ पर फ्लोर को सिलेक्ट करेंगे, फ्लोर को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फ़िल्टर।
अब हम यहाँ से सबको हटा देंगे, सिर्फ फ्लोर्स को रखेंगे और ओके बटन पर क्लिक करा देंगे। अब हमारा सिर्फ फ्लोर सेलेक्ट है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिट बाउंड्री, और ये हम यहाँ पर इसको स्लेब को काटेंगे। कैसे, हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे ऐसे, हम चाहें तो पूरा स्लेब यहाँ तक इतना काट सकते हैं, इसको बाद में सेक्शन में देखेंगे हाइट। ये हमने इस तरीके से स्लेब काट दिया, और यहाँ पर क्लिक करेंगे फिनिश बटन और इसको नो कर देते हैं, तो हमने ये काट दिया। अब हम जाएंगे सेक्शन में और यहाँ पर देखेंगे हमने स्लेब काटा है, स्लेब यहाँ तक है, यहाँ पर देखते हैं इसको इस पे से, ये मतलब सर में तो नहीं लगेगा, यहाँ से यहाँ तक 5 फुट 9 इंच है, इसको हम पीछे तक कर लेते हैं जिससे ये सर में ना लगे। हम जाएंगे फिर फर्स्ट फ्लोर में, इस स्लेब को एज को हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है ये डोर लगा हुआ है इस रूम का, तो एडिट करके हम थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ तक, इसकी डायमेंशन देख लेते हैं कितने इंच है, 9 इंच है, इसको हम 3 इंच और बढ़ा देते हैं, मूव 3 इंच ऐसे, और अब हम इसको हम फिनिश करा देंगे। इस तरीके से हमारा ये बन गया, हम इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा स्टेयर के साथ में ऐसे, और इसको हम ट्रिम करा देंगे इस तरीके से और फिनिश करा देंगे। ये बन गया, अब हम इसके सेक्शन को यहाँ से यहाँ पर रख के देखते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सेक्शन को यहाँ पर रखा और इस पर डबल क्लिक किया, ये सेक्शन आ गया, तो यहाँ पर देखते हैं इसको ये, क्योंकि इस पे आने के बाद तो इधर आ जाएगा बाहर, तो इस पे देखते हैं, तो ये 6 फिट समथिंग है, 6.5 फिट तकरीबन है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी यहाँ पर, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो स्पेस के हिसाब से क्रिएट करेंगे तो फिर हम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हम वैसे ही बना रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप उसी हिसाब से इस डोर को इधर उधर करेंगे या फिर उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो इस सेक्शन को हटा देते हैं फिलहाल, हमें नहीं चाहिए, इसको क्लिक करेंगे और हम इसको डिलीट करा देंगे यहाँ से डिलीट। अब हम फिर से जाते हैं ग्राउंड फ्लोर में, और एक डोर हम यहाँ पर लगाएंगे जो नीचे से आएगा 3 फिट का, उसके लिए हम जाएंगे आर्किटेक्चर टैब में, यहाँ पर क्लिक करेंगे डोर, और यहाँ पर हम फ्लश डोर लगाएंगे, सिंगल फ्लश डोर लगाएंगे तकरीबन 3 फिट का, इस पर क्लिक करते हैं, इसको एडिट टाइप में इसको हम डुप्लीकेट बना लेते हैं, इसकी हाइट भी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, डुप्लीकेट बना लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं 3 फिट बाई 6 फिट 6 इंच। ओके बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखेंगे इसकी जो हाइट है 7 फिट है, हम यहाँ पर देंगे 6 फिट और 6 इंच, और इसकी विड्थ दे देते हैं हम यहाँ पर 3 फिट, और ओके बटन पर क्लिक करा देंगे। हमने इसको 3 इंच दे दिया तकरीबन, एडिट टाइप में अगर देखें हम, हमने इसकी विड्थ 3 इंच दे दी, 3 फिट करना है हमें, ओके बटन पर क्लिक कराएंगे ऐसे, और इस डोर को हम अंदर की तरफ ओपन करेंगे, स्पेस बटन प्रेस करेंगे इसको ओरिएंटेशन देने के लिए, और हम इसको यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। हम इसको 3 फिट नहीं, चलो 3 फिट भी चल जाएगा, मुश्किल नहीं है, अगर हम इसको अब 3D में देखें, यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम इसका सेक्शन काटते हैं यहाँ से, सेक्शन बॉक्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में, और इसको किसी भी व्यू में रख कर ऐसे सेक्शन काटते हैं इस तरीके से, तो ये इस तरीके से बन गया हमारा। अब हमारी गैरेज में से भी एक एंट्री मिल गई हमें, और यहाँ पर ये लैंडिंग से नीचे ही है, लैंडिंग से नहीं टकरा रहा है, लैंडिंग से नीचे है, लैंडिंग ऊपर है दरवाजे से, तो ये ठीक हो गया। सेक्शन काट के देख सकते हैं जो हमने डिलीट करा था, मुश्किल नहीं है बनाने में सेक्शन, हम सेक्शन काट के देख सकते हैं इस तरीके से, ऐसे एक सेक्शन काट लिया, और सेक्शन व्यू में जाएंगे हम यहाँ से देख सकते हैं, तो ये लैंडिंग है हमारी और ये हमारा डोर है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सब अलग अलग व्यूज़ में करना पड़ता है काम रेविट में, क्योंकि सब कुछ
3D 2D सब कुछ इसी में बनता है, तो अलग अलग व्यूज़ में जो चीज़ नज़र नहीं आती वहाँ पर हम सेक्शन काट लेते हैं, या फिर 3D में देखना है तो उसको सेक्शन बॉक्स काट लेते हैं। सब जगह से देखकर ही काम होता है इसमें, रेविट में। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हर चीज़ के लिए अलग अलग व्यू बने, बस यही है जैसे हमने यहाँ पर देखना था ये, इसमें टकरा तो नहीं रहा, तो हमें सेक्शन काट के ही देखना पड़ेगा और वहीं पर हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें बना लिया। अब हम इसमें एक छोटी सी स्टेयर भी देंगे यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा लेवल है गैराज का वो डाउन है इससे। जैसे अगर आप देखें 3D में भी हम सेक्शन काट के अगर देखें, ये डाउन है, हमें यहाँ पर एक स्टेयर लगानी पड़ेगी इस तरीके से। ये डाउन है, यहाँ पर दो तीन स्टेयर आएंगी जैसे यहाँ पर आई हैं। तो हम जाएंगे फिर से ग्राउंड फ्लोर लेवल पर और इस पर क्लिक करेंगे, सेम इसी तरह की बना लेते हैं, राइट क्लिक करके क्रिएट सिमिलर, और यहाँ पर लगा लेते हैं इसको। देखते हैं ये जो बनाना है हमें ग्राउंड फ्लोर से, और ग्राउंड फ्लोर तक ही हम इसको रखते हैं, और इसको टॉप ऑफसेट दे देंगे हम यहाँ पर जैसे 3 फिट जो भी है, लेकिन हमने देखा नहीं हमारा कितने फिट है इसको। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको देख लेंगे हमारा जो ये है कितने फिट ऊपर है। सेक्शन में जाकर ये देखेंगे यहाँ पर हम, ये हमारा गैराज है और ये ग्राउंड फ्लोर है हमारे अंदर घर के अंदर का। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे कितने फिट का, 3.5 फिट है, तो हम उसी हिसाब से इसको रखेंगे। यहाँ पर फिर से इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट सिमिलर, और इसको डुप्लीकेट बना लेते हैं, जिसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो उसमें उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको दे देते हैं गैराज स्टेयर, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अलग अलग उसमें। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम इसको देंगे ग्राउंड फ्लोर से, और टॉप भी इसका हम ग्राउंड फ्लोर रखेंगे, लेकिन हम यहाँ टॉप ऑफसेट में इसको दे देंगे 3 फिट 6 इंच। और कितनी स्टेयर बनती हैं, 6, हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 5 स्टेयर बना देते हैं या 4 स्टेयर बना देते हैं, 5 काफ़ी हैं। और यहाँ से हम इसमें बना देंगे, लेफ्ट आ रहा है तो मुश्किल नहीं है, हम इधर से ही बना देते हैं ऐसे, और इसको फिनिश कर देते हैं ऐसे। जो इसकी रेलिंग है उसको भी हम डिलीट कर देंगे और इसको मूव कर देते हैं यहाँ से, किसी भी तरह करें, कोई भी तरीका अपनाएं, बस काम होना चाहिए। ये हमारी स्टेयर बन गई है। अगर हम 3D में देखें तो ये उल्टी बनी है। हम इसको क्लिक करेंगे और एडिट स्टेयर पर क्लिक करेंगे, इसको फ्लिप करा देंगे इस तरीके से, फिनिश। अब हम इस पर क्लिक करें अगर देखें यहाँ पर, लेकिन हमने इसको गलत दिया था। अगर इस पर क्लिक करें हम यहाँ पर देखें, हमने इसको ग्राउंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर, लेकिन ग्राउंड फ्लोर से ऊपर पहुँचा दिया इसको, तो हम 0 रखेंगे और यहाँ पर इसको देंगे हम 3 माइनस 3 फिट 6 इंच। अभी सही है, एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो ये अब अंदर जाने का रास्ता यहाँ से मिल गया। तो इस तरीके से हमने स्टेयर भी बना ली, गैराज में से एक एंट्री भी दे दी इसको अंदर जाने के लिए, और अगर ग्राउंड फ्लोर में देखें तो ये इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, आप भी इसको क्रिएट करें, और अगर सेम फाइल चाहिए तो वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सेम फाइल पर वर्क कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में भी, या फिर जो मेरा फेसबुक पेज है वहाँ से भी आप मुझे चैटिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियोस फॉलो करें, इसमें हम आगे और भी वर्क करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।